मेरा ये मैच तुम्हारा है, देखते हैं। क्योंकि भाई जब मैं तुमसे तेज भागू और मैं अभी तक नहीं पहुंचा था यार, आउट था, लेकिन अगर बता दिया तो मैच हार जाएंगे हम। यार गलत बयान नहीं दुना करो, एटलीस्ट कम से कम अच्छी बात नहीं हुई। ठीक है यार, रनर आउट है। इसी खुशी में आज खाना मिल जाए, इसी बहाने में तेरी प्लेटिंग वापस कर दूंगा। क्या कहते हो, चलते हैं? हाँ यार, लेकिन मुझे तेरी ये बात बहुत पसंद आई है कि तूने सच बोला। यार बंदे को सच बोलना चाहिए, हार जीत तो होती रहती है, ये तो बात है। अरे यूसुफ बेटा, क्या हाल चाल है बेटे? ठीक ठाक करम पिता, आप कैसे? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारी वालदा का क्या हाल है? वो भी अल्लाह का शुक्र है। मेरी तरफ से पूछना और। जी, चलो बैठो बेटा, मैं खाना लगा दूँ। यार लेकिन आज मुझे एक एडवांटेज था, मेरी टीम में थे 3 प्लेयर्स और तेरी में 2 प्लेयर्स, शायद इस वजह से मैं जीता। कोई नहीं भाईजान, अगली दफा देख लेंगे, हर बार तो आगे पीछे नहीं होंगे। आजो बेटा खाना लग गया। आज ही गया। बेटा मुझे आप दोनों की दोस्ती बहुत ही पसंद है, कितना ख्याल रखते हो ना एक दूसरे का, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हो, कभी कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते। आजकल तो ऐसे सगे भाई भी नहीं होते। अल्लाह आप दोनों को नजरे बद से महफूज रखे। वैसे यूसुफ बेटा, आपकी वालदा एक बड़ी ही बाइखला खातून है, बहुत ही मोहब्बत करने वाली। उनसे मिलने के बाद मुझे बहुत ही अपनाइत का एहसास हुआ। अल्लाह पाक उन्हें लंबी उम्र और सेहत अता फरमाए। अरे नहीं बेटे, चलो अपना ख्याल रखना और अपनी अम्मी को मेरी तरफ से शुक्रिया बोलना, क्योंकि ये हलवा बहुत ही मजेदार था। कैसे हो? इसलिए मैं कह रहा था ना कि बिलाल को चल कोई बात नहीं, खैर मिलते हैं शाम को मैच। हाँ।